होप यू ऑल विल बी डूइंग गुड। मैं आज आप लोगों के साथ WBJEE 2023 का एक फिजिक्स का क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूं, जो कि मेरे स्टूडेंट ने शेयर किया टू क्लेम दिस क्वेश्चन फॉर दी बोनस। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, और इस क्वेश्चन को आप सभी को यहाँ पर देख सकते हो जिसको मैंने यहाँ पर शेयर किया है। जिसको कि मैं रीड आउट भी कर दे रहा हूं। द क्वेश्चन इज अ ट्रेन इज मूविंग अलोंग द ट्रैक्स एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड यू। मीन्स हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है दिस ट्रेन इज मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड यू। कॉन्स्टेंट स्पीड यू से ये ट्रेन जो है इस ट्रैक पे मूव कर रहे हैं। अब इसमें लेटेस्ट से ए गर्ल जो है इज थ्रोइंग ए बॉल ऑफ मास एम विथ स्पीड वी। क्वेश्चन में देखिए कि ट्रेन इज मूविंग अलोंग द ट्रैक एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड यू। अ गर्ल ऑन द ट्रेन थ्रोज ए बॉल ऑफ मास एम स्ट्रेट अहेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन। स्टेटमेंट को देखिए, विथ स्पीड वी, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन। अगर इसको हम लोग कोऑर्डिनेट इसको अगर वाई और एक्स में अगर हम लोग बात कर लें पहले, तो ये जो भी स्पीड दे रखा है, तो पहले देखिए भी को हम लोग बोल रहे हैं स्पीड ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, और आप बोलोगे और गर्ल बोथ आर सेम, एंड सिंस इट्स डायरेक्शन इज गिवन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन, व्हाट डज इट मीन कि दिस इज नथिंग बट अ एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, बट अगर आप इन द फ्रेम ऑफ ट्रेन देखो तो जस्ट आफ्टर फॉलिंग क्या होगा कि आपने बॉल को इस डायरेक्शन में एक वी एक्स दे दिया, बट ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि इन वेरी बिगनिंग बॉल पे सबसे पहले एक फोर्स इंपार्ट करेगा, एंड वी नो दैट इन वेरी बिगनिंग इन एनी बॉडी फर्स्ट एक्सेलरेशन अपीयर्स, देन इट्स कंसिक्वेंसेस इज वेलोसिटी और इट्स डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े होंगे। सो एट वेरी बिगनिंग when the girl is going to throw the ball, it will have acceleration in the horizontal direction as well as due to gravity acceleration in the downward direction also. So at different moment of time when it attains a speed v in the horizontal direction, at that time it will have a component of velocity इन दी वर्टिकल डायरेक्शन ऑल्सो, जिसको हम लोग वी वाई बोल सकते हैं। तो देखिए ये तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसीलिए वी लिखा। साथ ही साथ एट अनदर मोमेंट इसका वी वाई भी होगा, जिसको लिखेंगे ड्यू टू ग्रेविटी। सो इसका जो नेट स्पीड होना चाहिए बाबू, अगर आप देखो तो पाथ इसका कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर ये मेंशन नहीं होता कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन, तो हम लोग इस जो नेट स्पीड जिसको हम लोग लिख रहे हैं वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई, इसको हम लोग भी लिख सकते थे, नहीं? बट यहां तो दिया है विथ स्पीड वी इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, मीन्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, इट मीन्स की ये वी एक्स का ही वैल्यू जो है ये वी के बराबर है, यही आपका क्या है, वी है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन।
तो चलिए अगर हम लोग इसको तो समझ गए कि अगर ट्रेन से फ्रेम से अगर इस बॉल के पाथ को देखें तो आपको प्रोजेक्टाइल दिखेगा, एक पैराबोलिक पाथ पे जाता हुआ। तो इसका एक्स एंड वाई दोनों कंपोनेंट होगा। इट मींस विद टाइम इट्स वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज इन द फ्रेम ऑफ द ट्रेन एज वेल एज इन द फ्रेम विच इज गिवन एज ए रेलवे ट्रैक और यू कैन से अर्थ। मीन्स अर्थ के रिस्पेक्ट में भी इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा क्योंकि पाथ भी सेम ही होगा पैराबोलिक। ट्रेन में भी पैराबोलिक हो रहा है बिकॉज इट इज थ्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। जस्ट अगर ड्रॉप कर दिया जाता तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में इसका पाथ है स्ट्रेट लाइन दिखता, जबकि अर्थ या रेलवे ट्रैक के रिस्पेक्ट में पैराबोलिक दिखता। ये आप लोगों को मालूम होगा। सो देखिए अगर ट्रेन में अगर इसका स्पीड ये दिख रहा है तो अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें मेजर्ड बाय द गर्ल इन द ट्रेन फ्रेम, फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है, तो ट्रेन के फ्रेम में तो ये Vx और जो Vy लिख रहे हो इसको भी हम लोग मान लिया ये विथ रेस्पेक्ट टू क्या ट्रेन ही, ये Vy को भी मान लिया विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल मीन्स इन विच फ्रेम मीन्स दैट इज इन ट्रेन फ्रेम। व्हाट वी कैन राइट, हाफ एम वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मीन्स दिस टर्म विल कम। तो अगर सिर्फ स्पीड भी दिया रहता है, डायरेक्शन मेंशन नहीं होता, तो यानी कि इसका ही वैल्यू क्या हो जाता भी, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो सकता था, होता ही इसका। बट यहां पर क्या दिया है, वी एक्स का ही वैल्यू वी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो काइनेटिक एनर्जी मेजर्ड बाय ट्रेन हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर एक्स नहीं लिख पाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं, इसमें क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर वाई, इससे ज्यादा होगा जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ऑप्शन ए, क्योंकि भी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का है विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन। बात समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन दिया है वर्क डन बाय द गर्ल इन थ्रोइंग द बॉल। तो देखिए जो भी गर्ल ने इस पे वर्क किया जिसके कारण जो है बॉल ने कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया, तो काइनेटिक एनर्जी गेन बाय बॉल नहीं ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन इज नथिंग बट हाफ इन वी स्क्वायर एक्स एंड वी एक्स वैल्यू इज वी। सो हियर यू कैन राइट द वर्क डन बाय द गर्ल इन थ्रोइंग द बॉल इज हाफ एम वी स्क्वायर एक्स, बिकॉज जो भी वो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गेन कर रहा है दिस इज ड्यू टू द गर्ल, तो गर्ल ने उस पर वर्क किया होगा। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहीं पर, वर्क डन बाय गर्ल ऑन बॉल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी गेन ड्यू टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। Which is nothing but half m v square x, which is half m v square। अगर आप नेट वर्क डन अगर लिखते, नेट वर्क डन ऑन बॉल इन ट्रेन फ्रेम, तो ट्रेन कैसा है आपका इनर्शियल फ्रेम है, तो यहां पर वर्क डन बाय सीडो फोर्स को अकाउंट में लेने का नीड भी नहीं हम लोगों को, तो लिखेंगे वर्क डन बाय गर्ल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी
इज इक्वल्स टू डेल्टा के, जिस डेल्टा के को आप लिख दे हाफ एम वी स्क्वायर एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर वाई। तो आप देखो ग्रेविटी जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वी वाई एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वी एक्स, जिसको हमने यहां पर लिख दिया। बात समझे या नहीं? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी एक्स का वैल्यू वी है, इसीलिए आपका जो है ऑप्शन बी को करेक्ट लेना पड़ेगा। ये वर्क डन बाय द गर्ल इन थ्रोइंग द पेन। नेक्स्ट जो बीट दे रखा है, वर्क डन बाय द ट्रेन इज एम वी यू। इन दिस ऑप्शन नथिंग इज क्लियर, लाइक वर्क डन ऑन द ट्रेन और वर्क डन ऑन द गर्ल प्लस बॉल सिस्टम। इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन जनरली हम लोग उसको सिस्टम पे ही वर्क निकालते हैं। अगर आप गर्ल पे वर्क डन निकालने जाओ तो आप क्या कह सकते हो, जो कि आप प्रीवियस डायग्राम में देख सकते हैं, आप ट्रेन फ्रेम में करो या रेलवे ट्रैक फ्रेम में करो, क्योंकि जो भी फोर्स लगा रहे होंगे रियल फोर्स वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होगा हम लोगों को मालूम। तो देखिए अगर ट्रेन में ही देखो या ट्रैक पे भी देखो, तो इनिशियली बॉल जब गर्ल के हैंड में था देन इट स्पीड वॉज यू, जस्ट आफ्टर थ्रोइंग इसका क्या हो गया स्पीड भी, समझे या नहीं? तो इसके चेंज को हम लोग कितना लिख पाएंगे, स्पीड को भी माइनस यू बाई टी, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। या आप इसी को बोलो जब एवरेज एक्सेलरेशन अगर आप निकालने जाओगे, वही आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग, क्योंकि आपको वर्क डन ऑन द सिस्टम बोलो या वर्क डन ऑन द गर्ल बाय द ट्रेन कैलकुलेट करना है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा जरा आप समझो, गर्ल इस बॉल पे कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगी, से एफ है ना, ड्यूरिंग थ्रोइंग, अभी तो सेपरेट लग रहा है, मतलब ड्यूरिंग थ्रोइंग मैं बता रहा हूं। तो इस गर्ल पे भी कहीं ना कहीं फोर्स एफ लगेगा, और स्लाइडिंग ये सब कुछ दिया नहीं, इसको अवॉइड करना है। इट मींस अगर गर्ल का स्पीड जब ये भी स्पीड से इसको थ्रो करने जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका तो इंटरनल एनर्जी भी कहीं ना कहीं वर्क किया, जिसके कारण इसको वेलोसिटी भी गेन हो गया। बट इन द कोर्स ऑफ थ्रोइंग जो भी इसको फोर्स लगा होगा वर्क करने में, ये फोर्स इसके बॉडी पे भी लग गया होगा, जिसके कारण जो है इसका स्लाइडिंग टेंडेंसी इधर अराइज हुआ होगा, बट फ्रिक्शन जो है इस पे कहीं इस डायरेक्शन में एक्ट करने लगा हो। और सिंस गर्ल इज स्टेशनरी, तो फ्रिक्शन जो है इसके वेलोसिटी को फिर मेंटेन कर दिया होगा, यानी फ्रिक्शन भी कहीं ना कहीं एफ के बराबर है। तो अगर हम लोग ये फोर्स को कैलकुलेट करने जाएं ड्यूरिंग थ्रोइंग द बॉल, एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन बॉल कैन बी रिटन एज मास टाइम्स एवरेज एक्सेलरेशन। एंड सपोज ये किसी डेल्टा टी टाइम के लिए थ्रो करने में टाइम लगा होगा, बहुत ही छोटा टाइम मैं ले लेता हूं, देन वी कैन राइट एम टाइम्स वी माइनस यू ना, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय डेल्टा टी टाइम, वेयर डेल्टा टी इज टाइम ड्यूरिंग थ्रोइंग द बॉल। बोलिए, सो
According to the free body diagram, friction का value F के भी बराबर हो जाएगा. So what we can write? Frictional force acting on girl during throwing the ball, because friction is going to act during this process only. क्योंकि constant speed से train move कर रहा है, तो जब body constant speed u gain कर लेगा, तो उसमें friction तो act नहीं हो रहा होगा. ड्यूरिंग थ्रोइंग ओनली क्या होगा, वो उसको फोर्स लगाया बॉल को गर्ल ने, तो गर्ल के ऊपर भी फोर्स लगा, जिसके कारण फ्रिक्शन कम्स टू द पिक्चर, जिसको हम लोग इस फोर्स इक्वेशन से बैलेंस करके कैलकुलेट कर पा रहे हैं. तो फ्रिक्शनल फोर्स को भी हम लोग लिख पाएंगे कितना, एम इन टू वी माइनस यू बाई डेल्टी. तो देखिए अब जो गर्ल का ये जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है लेग, इस पे ही फ्रिक्शन इधर लग रहा है. तो जब तक फ्रिक्शन एक्ट भी कितने देर के लिए होगा, डेल्टा टी टाइम के लिए ही, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना मूव कर गया होगा. तो हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना हो जाएगा, यू डेल्टा टी, यही होगा ना, यही तो मूव कर गया. ट्रेन जितना मूव किया होगा डेल्टा टाइम में, उतना ही वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हुआ होगा. देयरफोर वर्क डन बाय ट्रेन ऑन गर्ल will be how much, m v minus u by del t times u del t, which is coming m v minus u times u. बात समझे कि नहीं, which is again not options थी. और अगर आप वर्क डन ऑन द सिस्टम कैलकुलेट करने जाए, वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम मीन्स गर्ल प्लस बॉल. तो देखिए वर्क डन ऑन सिस्टम बाई ट्रेन कहने का मतलब क्या है, That is nothing but friction. तो देखिए इसके लिए हम लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम मालूम है कि वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं डेल्टा के. तब हम लोगों को यह समझना, इस सिस्टम की अगर बात करें तो इसका इनिशियल एनर्जी कितना हो, इनिशियल एनर्जी इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गर्ल, नहीं प्लस अगर हम लोग ले लें तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गर्ल. इंटरनल कहने का मतलब जो हम लोग का मसल्स वर्क करता है वो रहा होगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल. तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गर्ल को लिखेंगे हाफ इंटू मास ऑफ गर्ल, व्हिच इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, टाइम्स यू स्क्वायर. एंड सिंस इनिशियल एनर्जी मीन्स इनिशियल एनर्जी बिफोर थ्रोइंग, इसका मतलब ये है
मीन्स हाफ मास ऑफ द बॉल टाइम्स, ये तो गर्ल के हैंड में था तो यू स्क्वायर ही हो गया, प्लस उसका कुछ खुद का इंटरनल एनर्जी को हम मान लेते हैं कुछ ई इंट, मीन्स इंटरनल मान। अब देखिए फाइनल एनर्जी अगर हम लोग लिखें, फाइनल एनर्जी आफ्टर थ्रोइंग, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गर्ल प्लस फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ गर्ल प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल। तो देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गर्ल को क्या लिखोगे, तो हाफ इंटू मास ऑफ गर्ल टाइम्स, ये तो फिर से फाइनली यू ही गेन कर लेगा कि वो ट्रेन पे ही है और कुछ अदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग को ये लेकर चलना पड़ेगा, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल हम लोग क्या लिखेंगे, ये भी जो था दिया हुआ है क्वेश्चन में देखिए, विथ स्पीड भी विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रेन, ये भी जो है विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रेन ही थ्रो कर दिया, तो ग्राउंड फ्रेम में इसका स्पीड कितना हो जाए, वी प्लस यू स्क्वायर, बोलिए यही होगा ना। अब देखिए इसमें फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ गर्ल को भी हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी उसका क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी लिख लिया, तब उसका इंटरनल एनर्जी जो पहले ई इंड था, अब उसने कितना बॉल पे वर्क कर दिया उतना एनर्जी इन द रेस्पेक्ट ऑफ द ट्रेन, उतना तो इसका कम होगा, तो इसका फाइनल इंटरनल एनर्जी जो हम लोग लिखेंगे, जो इधर ई इंट लिखे थे, नहीं इसको हम लोग लिख सकते हैं ई इंट माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए, तो देखिए और एक सेकेंड सॉरी, अगर हम लोग ट्रेन के फ्रेम में निकाल रहे हैं इनिशियल एनर्जी, ये तो ठीक था यू स्क्वायर बिफोर थ्रोइंग, बट अगर हम लोग यहां पर देखें तो गर्ल भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ एम वी स्क्वायर वही लिखना पड़ेगा, दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी, ये पहले भी बोला था आपने, बट हम लोगों को वर्क डन बाय सिर्फ ट्रेन निकालना है, मीन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर बात करें तो रिमेनिंग टर्म तो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी तो आएगा नहीं, तो जो भी ये एनर्जी हम लोगों ने लिखा है ये ड्यू टू द वर्क इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, पहले तो जब बिफोर थ्रोइंग ये एनर्जी कैरी करके सिस्टम मूव कर रहा था, बट थ्रो कर दिया तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी गेन कर रहा है या आप कह लें जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटी व्हिच इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। हम लोग को वर्क डन बाय ट्रेन ऑन द सिस्टम अगर देख रहे हैं तो हम लोग को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही देखना है, तो अगर अब हम लोग फाइनली देखें वर्क डन बाय ट्रेन या बोले और फ्रिक्शन ऑन सिस्टम तो क्या होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, तो आप देखिए फाइनल एनर्जी माइनस अगर आप इनिशियल करने जाओ तो गर्ल वाला एनर्जी और ये एनर्जी कैंसिल आउट हो गया है या नहीं, तो हम लोगों का कौन सा टर्म बचा, देखिए तो फाइनल हम लोग लिख रहे हैं हाफ एम वी प्लस यू स्क्वायर, मैं ग्रेविटी वाला वर्क को हटा दे रहा हूं इसलिए ये वाला टर्म मैं नहीं लिखने जा रहा, फिर है
e int minus half m v a square. ये फाइनल एनर्जी हो गया माइनस हाफ एम यू ए स्क्वायर माइनस ई इंट. तो देखिए ये ए इंट तो कैंसिल आउट हो गया. और अगर आप हम लोग इसको देखें तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस हाफ एम यू ए स्क्वायर प्लस एम वी यू माइनस एम वी ए स्क्वायर माइनस एम यू ए स्क्वायर. तो देखिए दिस 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 कैंसिल्ड सो दिस इज कमिंग एम वी यू. तो अगर वर्क डन बाई ट्रेन ऑन द सिस्टम पूछ रहा है देन वी आर गेटिंग दी आंसर नंबर सी. बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बट यहां पर तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है. ठीक है, तो अगर वर्क डन बाई ट्रेन का मतलब ऑन गर्ल है देन ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट. यदि वर्क डन बाई ट्रेन ऑन दिस सिस्टम है देन योर ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर सिर्फ ऑप्शन बी एंड सी होना चाहिए, बट ऑफिशियल आंसर में ए बी सी दे रखा है. तो आप खुद भी समझ पाओगे कि ए और बी जो है एक साथ आंसर करेक्ट हो ही नहीं सकता. ठीक, तो जो भी इस बार 2023 WBJEE दिए हैं वो इस क्वेश्चन को क्लेम करके इसका बोनस मार्क्स आप ले सकते हो. एंड लाइक एवरी ईयर जब भी क्लेम करना हो किसी स्टूडेंट को तो मुझे अप्रोच करते हैं. आप मेरे पास पढ़े हो या नहीं पढ़े हो इट डज नॉट मैटर, बट बीइंग ए टीचर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो. जो मेरा YouTube चैनल भी है उसके थ्रू मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा आपको हेल्प करने का. और भी बहुत सारे फिजिक्स में जो न्यू स्टूडेंट होंगे जो 11th में आए होंगे या जो ऑलरेडी कहीं पढ़ भी रहे होंगे वो भी आप भी चाहो तो आप अप्रोच कर सकते हो. डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प. और जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ रखा होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होगा उसे मैं जरूर सिंपलेस्ट तरीका करके आपको समझाने का कोशिश मैं करूंगा जो कि मेरे सॉल्विंग स्किल से ही आप समझ पाओगे. सो आप मेरे YouTube चैनल से आप अपडेटेड रहें और कुछ डाउट हो तो मुझे अप्रोच करें. थैंक यू.